आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं इस दुनिया के सबसे रहस्यमय और विशाल जंगल के बारे में जिसका नाम है अमेज़न वर्षा वन। अगर ये कोई देश होता तो ये दुनिया का नौवां सबसे बड़ा देश होता। दुनिया का 25% ऑक्सीजन यहीं से आता है और इसकी सीमा लगभग 9 देशों से टकराती है जिसमें ब्राज़ील और कोलंबिया जैसे बड़े देश भी शामिल हैं। यह जंगल बाहर से जितना खूबसूरत दिखाई देता है अंदर से उतना ही डरावना और ख़तरनाक है। यह जंगल उतना विशाल है वैसे ही इसके रहस्य भी उतने ही बड़े हैं। जी हाँ, इस जंगल में इतने रहस्य छुपे हैं कि अभी तक वैज्ञानिक भी इन्हें सुलझा नहीं पाए हैं। WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड विश्व वन्य जीव कोष के एक रिपोर्ट के अनुसार 1999 से 2009 के बीच औसतन हर 3 दिन में अमेज़न के वर्षा वन में एक नया पौधा या जानवर की एक नई प्रजाति खोजी गई थी, जैसे एक छोटी अंधी कैटफिश और एक ऐसा मेंढक जिसकी त्वचा इतनी पतली थी कि आप उसके दिल की धड़कन भी देख सकते थे। हर 10 अननोन ज्ञात प्रजातियां के जीवों में से एक को अमेज़न में देखने को मिल जाएगा। अमेज़न वर्षा वन इतना बड़ा है कि यहाँ पर पेड़ों की हजारों प्रजातियाँ हैं जो 80 से 100 फीट के बीच बढ़ती है, जो अपनी शाखाओं से सूरज की रोशनी तक रोक देती है। जी हाँ, अमेज़न के वर्षा वन में कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ हर वक्त सिर्फ अंधेरा होता है, जहाँ छोटे सूक्ष्म और खतरनाक जीव पनपते हैं। इस जंगल में पेड़ की एक ऐसी भी प्रजाति पाई जाती है जो चलती है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक चलने वाला पेड़। आपने कई फिल्मों में पेड़ों को चलते हुए देखा होगा, लेकिन अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाला यह पेड़ किसी फिल्मों के पेड़ों की तरह नहीं चलता और ना ही तेज़ दौड़ सकता है। यह पेड़ समय के साथ साथ अपनी जगह से हिलता डुलता रहता है। इसका कारण यह है कि यह पेड़ उसी दिशा में चलता है जिस दिशा में सूरज की रोशनी आती है। इस कारण इस पेड़ की नई जड़ें सामने बनने लगती है और धीरे धीरे इसके पीछे की जड़ें खत्म हो जाती हैं। इसीलिए यह पेड़ आगे बढ़ते रहता है, लेकिन इसकी गति बहुत धीमी होती है। अमेज़न वर्षा वन कई प्रजातियों और जीवों का घर है। यहाँ पर आपको ऐसे भी जीव देखने को मिल जाएंगे जो आपको साधारण से तो लगेंगे, लेकिन यह आपके सोच से भी खतरनाक है। जैसे आपसे दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों के बारे में पूछा जाए तो आपके दिमाग में कई बड़े जीव होंगे, लेकिन दोस्त ये अमेज़न है। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का जीव भी आपकी जान ले सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेज़न में पाए जाने वाले जहरीले मेंढक की प्रजाति के बारे में। यह जितने सुनहरे और प्यारे रंग के होते हैं उतने ही खतरनाक भी होते हैं। नेशनल ज्योग्राफी के अनुसार यह डॉट फ्रॉग धरती के सबसे जहरीले जीवों में से एक है। छोटे से दिखने वाले इस मेंढक का जहर कई लोगों की जान एक साथ ले सकता है। वैज्ञानिक का कहना है कि यह मेंढक अमेज़न के जंगलों में दूसरे खतरनाक जानवरों से खुद को बचाने के लिए जहरीले हैं, लेकिन इनके जहर के असली स्रोत का पता अभी तक वैज्ञानिक को नहीं लग पाया है। अमेज़न के वर्षा वन में कई प्रजातियों के पक्षी भी रहते हैं, जैसे पोर्टो नाम का यह पक्षी जो खुद को छुपाने में बहुत ही माहिर है। परिस्थिति को देखकर अपने शरीर को ढाल लेता है और एक टूटी हुई शाखा की तरह दिखाई देता है। वैसे तो यह पक्षी आमतौर पर दिखाई नहीं देता क्योंकि यह ज़्यादातर रात के समय में निकलता है और दिन के समय में किसी पेड़ की टूटी शाखा बन जाता है, जिसके कारण इसे देखना असंभव है। यह पक्षी खुद को आधा खुला रखता है और काफ़ी देर तक एक ही मुद्रा में बैठा रहता है। इसने वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं को हैरान कर रखा है। अमेज़न जंगल में पाए जाने वाला हर जीव अपने आप में ही अनोखा है। ज़िंदगी में आपको किसी चींटी ने तो काटा ही होगा और उसके बदले आपने उसे मसला भी होगा, ना ही आपको किसी चींटी का डर लगता होगा, लेकिन अमेज़न के जंगल में एक ऐसी चींटी पाई जाती है जिसने अगर आपको गलती से काट लिया तो आप उसे ज़िंदगी भर याद रखेंगे। यह कोई साधारण चींटी नहीं है, इसे बुलेट एंट भी कहा जाता है क्योंकि यह किसी को काट ले तो गोली लगने जैसा दर्द महसूस होता है, और अगर ये चींटी आपको झुंड में काट ले तो फिर आपकी दर्द से जान भी जा सकती है, इसीलिए यह खतरनाक होती है और इसका नाम इसी कारण बुलेट एंट रखा गया है। वैसे अगर अमेज़न के जंगल में आपको रहना है तो खतरनाक बनना ही होगा। अमेज़न के जंगलों में रहने वाला यह जीव भी ऐसा ही है, खतरनाक है, जो दूसरों के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। तो दोस्तों, अमेज़न जंगल इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि इसके अंदर हज़ारों ऐसे खतरनाक जीव जंतु हैं जिनके बारे में एक वीडियो में बताना संभव नहीं है।
तो इसके लिए मैं जल्द से जल्द एक दूसरा पार्ट टू करके लेके आ रहा हूँ। तब तक वीडियो यदि पसंद आए तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो कॉन्टेंट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।